बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज म्यूनसिपल ऑफिसर का पेपर हो चुके हैं। ये पेपर टाइप सी है मेरे पास। इस पेपर को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन को देखे यहाँ पर, इंशाल्लाह तमाम के जितने भी सवाल हैं तो उनको तफसील के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, ऑप्शन ए, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। सेकंड जो है, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सी नंबर इंसेक्ट्स, डी नंबर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। यह पर एंटामोलॉजी जो है, एंटामान से लिखा, ये जो है निकला है ये लफ्ज। एंटामान का मतलब है इंसेक्ट, तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटामोलॉजी। ये क्लास नाइन्थ बायोलॉजी से ये एमसीक्यूज लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर टू, एरिटेरिया विच बिकेम द 182 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1993 एज इन कंटिनेंट, इन एरिट्रिया कौन से बरियाज़म में है जो कि 182 मेंबर्स यानी 182 नंबर पर यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं, और ये 1993 में यूनाइटेड नेशन की जो है एक पार्ट बन चुके हैं। अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यूरोप है, यूरोप, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इस टाइमर विच बिकेम 191 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज इन कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एशिया है, साउथ एशिया में ये वाक़ है। और क्वेश्चन नंबर फोर, द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच द यूके, द यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर कैन नॉट असिस्ट अदर कंट्रीज इन एक्वायरिंग टेक्नोलॉजी टू डिवेलप न्यूक्लियर वेपन इज नोन एज, इज मेर ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसकी तफसील भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वाज, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांगीर एंड अकबर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर एट, टर्म वास्को डी गामा इज सिचुएटेड, वास्को डी गामा जो है ये एक पुर्तगीज मतलब बहुत से जो जितने भी ममालिक से वहाँ पर उन्होंने चक्कर लगाए थे, एक सियाह था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिस्बान, लिस्बान पुर्तगाल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन एट पेरिस, यूनेस्को, आईएलएलओ, एफएओ, आईएमओ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यूनेस्को है। टेन नंबर, द लीग ऑफ डिस्कोर्स लेक्चर ऑफ गौतम बुद्ध वाज, सॉरी, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स लेक्चर ऑफ गौतम बुद्ध, तो ये पाली पाली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट वन इज 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर काज ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर बिफोर द म्यूटिनी और वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। यह पर बहुत से रीजन थे, रिलीजियस भी थी, क्वेश्चन ऑफ प्रोमोशन एंड पे भी थे, पॉलिटिकल काज भी थे। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है, लेकिन अगर किसी दोस्त को करेक्ट इसकी मालूमात है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। 12 नंबर, टू ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पीरियर
wrote their own memories in Persian. They were Babur and Jahangir. Babur and Jahangir. Option C is the correct one. 13 number, which was the second capital of Imperial Akbar? Delhi, Agra, Petpur, Sikri, Patna. Correct option yahan par jo hai, option C is the correct one. Question number 14, David Copperfield is the name of novel, famous actor, drama writer. Ye writer ki bhi naam nahi hai, drama ki bhi naam nahi hai, famous actor ki bhi naam nahi hai. Correct option yahan par jo hai, नावल है, इंग्लिश राइटर है, उन्होंने ये नावल जो है लिखा है. 15 नंबर, शहाबनामा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस एम आर कियान. और इस तरह नेक्स्ट है कुदरतुल्लाह शहाब है, जनरल आयूब खान है. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कुदरतुल्लाह शहाब है. 16 नंबर, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? अरिस्टोटल, यूक्लिड, पाइथागोरस, केपलर. करेक्ट ऑप्शन यह पर यूक्लिड है. और 17, द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस विच क्लोजली फॉलो द 180 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. तो ये थे पार्ट नंबर 1. अब इसकी तफसील के तरफ जाते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले एरिट्रिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. It is a small town located on the island of Euboea, also known as Euboea in Greece. Next, East Timor, also known as the Timor Leste, is located in Southeast Asia. It occupies the eastern half of the island of Timor, which is located in the maritime Southeast Asia region. It shares its border with Indonesia to the west and is located north of Australia. और इस तरह नेक्स्ट जो है, द हेडक्वार्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशनल वाज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड. और द लीग ऑफ नेशनल वाज एस्टेब्लिश इन 1920 एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द गोल ऑफ प्रोमोटिंग पीस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग नेशन. द हेडक्वार्टर रिमेन इन जिनेवा. देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जिनेवा है. ये एक सवाल था, अगर मुझसे रह गया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जिनेवा है. और इस तरह नेक्स्ट जो है, NPT इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम एट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, प्रोमोटिंग डिसआर्ममेंट एंड फैसिलिटेटिंग द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. इट वाज ओपन बाय सिग्नेचर पर सिग्नेचर इन 1968 एंड एंटर इन टू फोर्स इनटू इन 1970. द लास्ट रूल ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बहादुर शाह. करेक्ट ऑप्शन अक्टूबर 26, 1775 को जो है वो पैदा हो चुके हैं. और इस तरह 28 सितंबर 1837 को उनकी डेट तो हो चुके हैं. नेक्स्ट है, लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ वर्ल्ड जो है ये यूनाइटेड नेशन है. और टम्बा और वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगीज एक्सप्लोरर था. और ये लिस्बान पुर्तगाल में उनके टम्ब जो है वाक़ है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसके बाद नेक्स्ट जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है. करेक्ट ऑप्शन जो था वो यूनेस्को था. और गौतम बुद्ध जो है उनकी जो मशहूर लैंग्वेज थी वो पाली थी, पाली. तो ये थी तफसील इन सवालात की, जिस सवालात की ज़रूरत है तो उनको मैंने डिस्कस किया. इसके बाद सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपको एज अ ब्रदर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वस्सलाम.